पॉल्यूशन का लेवल अपने पीक पर है दिल्ली एनसीआर में हालत बहुत ज्यादा खराब है सॉल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर पावर बैकअप हमें ट्वेंटी फोर सेवन चाहिए क्योंकि लोगों के बिजनेसेस चल रहे होते हैं होटल हॉस्पिटल कॉलेजेस हर जगह पावर बैकअप की रिक्वायरमेंट होती है और कोई भी अपने बिजनेस में लॉस नहीं चाहता दिक्कत ये आ जाती है की डीजल जैनसेट हर कोई यूज करता है और डीजल जैनसेट एक सबसे बड़ा सोर्स है एयर पॉल्यूशन का आज की डेट में आप फैक्ट्री जैसा पूरा बड़ा लोड एक इलेक्ट्रॉनिक जैनसेट पर चला सकते हैं जो लिथियम बैटरी से बना होता है आज के इस वीडियो में हम आपको इसी इलेक्ट्रॉनिक जनसेट के बारे में बताएंगे तो हमारे साथ इस वक्त है दिनेश शर्मा जी जो इस फैक्ट्री के इस प्लांट के हेड है और इनसे हम थोड़े सवाल पूछेंगे लाइक कितनी बड़ी है फैक्ट्री है किस चीज की फैक्ट्री है तो दिनेश जी सबसे पहले वेलकम तो थोड़ा सा आप एक बार अपने इस प्लांट के बारे में बताना चाहेंगे कि क्या इसका नाम है किस चीज़ का प्लांट है ये भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में खुशखेड़ा एक एरिया है ओके okay. पे हमारा प्लांट है बेसिकली हम लोग फूड कलर कॉस्मेटिक कलर और ड्रग्स कलर वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर जो आपकी मशीन है जो लोड है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए किस टाइप की मशीन है और कितना लोड था यहाँ पर एक्चुअली हमारा जो लोड है वो रिएक्शन वेसल्स है जहाँ पे आप यू कह लीजिए की फूड कलर की जो एक प्रोसेस है पूरा राइट उनके रिएक्शन का एक टाइमिंग है राइट उनके सर्टन लोड के साथ में ओके एक उस कंटिन्यूटी के साथ में राइट right. थोड़ा वैसा काम ओके okay. तो टोटल कितना लोड था पचहत्तर okay. आ रही थी right. किस टाइप 125 की 125. दिक्कतें आ रही थी तो दिक्कत मसलन एक तो आप एनसीआर में यहाँ तो पोल्यूशन का सबसे बड़ा इश्यू रहता है क्योंकि बार बार पोल्यूशन बोर्ड से भी हमें नोटिस वगैरह आते रहते थे रेगुलर ओके कभी उसको चलाना है कभी नहीं चलाना है कभी एक घंटे चलाना है कभी 24 घंटे में एक घंटे चलाना है राइट right. तो उसमें फिर प्रोडक्शन का बहुत बड़ा लॉस था तो हम कुछ देख रहे थे कि इससे कैसे निजात पाई जाए या इसके बगैर कैसे काम करा जाए तो अभी आपने उसका क्या सोल्यूशन फाइंड आउट किया है हमने लिथियम बैटरी वाले जो एनर्जी स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज है हाँ जी वो हमने लगाए हैं सबसे पहले हमने 20 केवी का लिथियम वाला जो एनर्जी स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज है ठीक है सबसे पहले हमने ये लगाया एक लगाया पहले एक लगाया सबसे पहले ठीक है हमने, हमने हमारे प्लांट को दो तीन चार पार्ट में सेक्शन वाइज हमने डिवाइड कर लिया लोड वाइज एक बार हमने 20 केवी का लगाकर वो जो जो सेक्शन हमने इसके ऊपर डाला था वो हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन था अब तक तीन चार महीने से ठीक है तो हमने ये देखा कि उसके हमें अच्छे रिजल्ट मिले इसको करने के बाद में जब हमें लगा कि इसमें कोई तरह का कोई इश्यू हुआ नहीं रनिंग द प्लांट जैसे पावर ट्रिप हुआ कि नहीं हुआ पता ही नहीं चलता था अच्छा डिसाइड यार हमें इसमें मूव करना चाहिए ओके okay. उसके बाद हमने ट्वेंटी केवी का एक ओके okay. और थर्टी केवी का एक हमने दो और लगाए ऐसे। तो ट्वेंटी का पहले था फिर ट्वेंटी प्लस थर्टी केवी और yes, yes. तो टोटल सेवेंटी ठीक है अभी आपने एक चीज कहा कि पावर ट्रिप होने पर आपको पता नहीं चलता था तो पहले जब डीजल जेनसेट लगा हुआ था तब क्या प्रोसेस रहता था जैसे पावर कट होती थी तो ओब्वियसली उसमें डीजल जेनसेट में क्या था कि एक पर्टिकुलर एक बंदे को हायर करना पड़ता था उसके लिए अच्छा इंगेज रखना पड़ता था उसमें जो पावर, जब पावर ट्रिप होएगी हाँ जी तो बंदा जाके उसको ऑपरेट करेगा और जब मेन्स ऑन हो जाएगा फिर उसको ऑफ भी करेगा तो अभी क्या होता है अभी पावर कट होता है अभी तो पता ही नहीं चलता अभी तो आप ये देख लीजिए कि हमें किसी को मालूम ही नहीं होगा पावर कब ट्रिप हुई है। तो ये किस हिसाब से काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये आपको कैसे पता चलता है हम तो इसको डेस्कटॉप पे मॉनिटर करते हैं अच्छा आईओटी और रिमोट मॉनिटरिंग के थ्रू अच्छा तो, तो हमें तो वहां जाकर देखने की जरूरत ही नहीं तो डेस्कटॉप पे बैठे सीट पे बैठे वही देख रहे हैं तो दिनेश जी जैसे आपने डीजल जेनसेट से इस पर स्विच करा है और मशीन आपकी सारी चल रही हैं तो ये लोड तो अच्छे से मैनेज कर रही है वो चीज हम समझ गए लेकिन और क्या चेंजेस आपने नोटिस करे जैसे डीजल जेनसेट में जो थे इसमें नहीं है ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे अभी इसमें तो जब जब से हमने लगाए हैं हाँ जी हमें मेंटेनेंस का पता ही नहीं है अच्छा अदरवाइज डीजल जेनसेट में हाँ जी सबसे बड़ा तो आपके पास ये रहता था कि रोज एक आदमी आपको चाहिए ऑपरेट करने के लिए राइट एक आदमी ऐसा भी चाहिए जो डीजल वगैरह अरेंज भी करेगा राइट right. स्टोरेज के लिए भी चाहिए राइट right. और उससे उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उस एक सर्टेन आवर्स के बाद में उसकी एक मेंटेनेंस भी है ओके okay. तो वो सब सारा मसला इसमें है तो इसको लगाए हुए कितने महीने आपको अभी हो चुके हैं करीब हमारा आठ महीने के सात आठ महीने के आसपास हो गए तो सात आठ महीने में आप कह रहे हैं कोई मेंटेनेंस इसकी थी? कोई मेंटेनेंस नहीं अभी तक कोई मेंटेनेंस तो सर जैसे आप सात आठ महीने बोल रहे हैं इसको लगाए हुए हो चुके हैं और जो आपका डीजी है वो आपने सात आठ महीनों में यूज कराया ऑन करा है उसको डीजी हमने बेशक हमारे पास था जरूर लेकिन हमने यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी तो डीजल जनसेट तो हमने हटा दिया अभी है ही नहीं हमारे पास डीजल जनसेट आपने हटा ही <laughs> तो मतलब अभी जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से आ रही है और फिर ये बैकअप है यस। बाकी डीजल सर खत्म कर दिया तो आपने बहुत अच्छा <laughs> तो ये जो हम यहाँ पर खड़े हैं ये दूसरा रूम है जिसमे बीस के और तीस के का सेटअप लगा हुआ है इनकी जो बैटरी है वो बगल वाले रूम में और हमारे साथ अभी सुवास्तिका की तरफ से कामरान जी है वहां पर जैसे अभी हमने बात करी दिनेश जी से तो उन्होंने जैसे आपको अप्रोच किया होगा तो आपका क्या एक्शन था पहले तो जैसे कि हमारे पास इंक्वायरी आई तो हमने सबसे पहले वहाँ पे साइट इंस्पेक्शन करवाया फिर जो आफ्टर ऑल डिस्कशन जो निकला उन्होंने बोला कि सबसे पहले मुझे आप ट्वेंटी केवी यहाँ पे चला के दिखा दो एक पर्टिकुलर एरिया का लोड जो आपने अभी कवर किया है है। तो हमने बोला कि ठीक है सर हम यहाँ पे एक सिस्टम लाके चलाते हैं उन्होंने ट्वेंटी लगाया राइट लीथियम के साथ वो सक्सेसफुली उन्होंने दो तीन महीने चला के देखे उसको ओके फिर जब उनकी मतलब जो नीड थी वो फुलफिल हुई उन्होंने बोला यार ये तो मतलब और भी जो हमारे एरियाज है राइट तो उनको मैं लिथियम पे शिफ्ट करना चाहता हूँ बैटरी एनर्जी स्टोरेज मतलब धीरे है। है। तो है। है, तो कामरान जी ये तो आपकी बात हमें समझ में आ गई पूरे प्लांट का लोड आज की डेट में इस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे चल रहा है अब मेरे को आप ये बताइए की ये जो पूरा सिस्टम है ये डीजल जैन से कैसे अलग है सर सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जिससे आप तो कई साइड कवर करते रहे राइट तो आपको डीजल जेनसेट में क्या इश्यूज़ आपको बेसिकली दिखता है डीजल जेनसेट में देखो आज की डेट में जो सबसे बड़ा इशू है जो पूरी दुनिया का इशू है वो है कि एयर पोल्यूशन होता है एयर पोल्यूशन होता है तो इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है अच्छा मतलब इसमें कोई इमिटिंग वाली कोई चीज ही नहीं है Right. बिल्कुल क्योंकि हम इन्वर्टर लगा रखा है और साथ में एक बैटरी है लिथियम बैटरी है right. तो इसमें से कोई भी फ्यूम्स वगैरह कुछ नहीं निकलता है बाहर अच्छा तो बिल्कुल मतलब पॉल्यूशन फ्री है इक्विपमेंट है अच्छा उसमें नॉइज पॉल्यूशन भी होता है ये नॉइसलेस ऑपरेशन है इसमें नॉइज का कोई इशू नहीं जैसा है कि अभी हम लोग पास में खड़े हुए हैं कोई नॉइज नहीं है नॉइसलेस right. ऑपरेशन है इसका तो उसमें जैसे वहां पर एक से दो मिनट का स्विचिंग टाइम है एक बार पावर कट होती है तो एक बंदे को डीजल जान ऑन करना पड़ता है सर इसमें जीरो स्विचिंग है इसमें कोई स्विचिंग नहीं है, है। मतलब आपका जो इक्विपमेंट चल रहा है जो मशीनरी चल रही है वो इट इज चलती रहती है है ठीक डीजल की मेरे ख्याल से मेंटेनेंस होती है उसमें डीजल डलता है फ्यूल के तौर पे इसमें हंड्रेड परसेंट मेंटेनेंस फ्री है अच्छा। एक तो इन्वर्टर हो गया उसमें कुछ जरूरी नहीं है लिथियम बैटरी उसमें भी कुछ नहीं करना तो लगाइए और भूल जाइए भूल जाइए बिल्कुल एक डीजल जैन का ड्रॉबैक ये भी है कि उसका साइज काफी बड़ा होता है जगह चाहिए उसको हाँ ये तो है सर जैसा कि आप देख सकते हो ये काफी कॉम्पैक्ट है आपने वहां भी देखा यहाँ भी आप देख सकते हो ये कॉम्पैक्ट है ये हमारा जो रूम है इलेक्ट्रिसिटी रूम था आप कभी भी Panels के साथ इसको नहीं लगा सकते थे किसी डीजी सेट को राइट right. आप देख सकते हो हमने जस्ट छोटे से एरिया में इसको कॉम्पैक्ट आराम से पे सेट कर दिया ठीक है कामरान जी तो ये चीज मेरे को समझ में आ गई कि डीजल जैनसेट के मुकाबले ये चीज काफी बढ़िया है अब एक बार थोड़ा सा इसका लाइफ का बता दीजिए क्योंकि अगर कोई भी इंसान एक डीजल जैनसेट को हटाकर इस पर इन्वेस्टमेंट करता है तो इसकी लाइफ भी अच्छी खासी होनी चाहिए बिल्कुल जो इन्वर्टर्स आते हैं सर ये काफी लॉन्ग लाइफ होता है इसमें कुछ आपको इश्यूज नहीं आती है। हाँ जी। ठीक है जो बैटरी बैंक हमारी इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कम से कम एस्टिमेटेड टेन इयस है मतलब कम से कम दस साल है कम से उससे ज्यादा चल, चल सकती है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लोड और कामरान जी एक चीज और बताइए की जैसे ये हम फैक्ट्री में खड़े हैं फैक्ट्री का ये लोड उठा रहा है आई थिंक फैक्ट्री से बड़ा लोड तो कहीं भी नहीं होता भी सबसे ज्यादा मैक्सिम लोड यहीं पर है तो क्या हम इसको फैक्ट्री के अलावा कहीं पर भी लगा सकते हैं कोई घर में या कहीं और जगह फैक्ट्रीज और प्लांट्स तो आपने देख लिया राइट होटल्स हॉस्पिटल जो हमने कई हंड्रेड के वी के टू हंड्रेड के वी के लगा रखे हैं हॉस्पिटल्स में होटल्स okay. में लगा रखे हैं हमने लिथियम के साथ जो अपार्टमेंट्स हैं right. उसमें भी आप लगा सकते हो right. और बाकी सारे मॉल्स वगैरह शॉपिंग मॉल्स इन सब सब जगह पे ये बिल्कुल लग सकते हैं मतलब कितना भी बड़े से बड़ा लोड हो सब हम इस पर स्विच कर सकते हैं बिल्कुल सारी चीजें आप इस पे चला सकते हो तो आई थिंक कमरा कामरान जी ये तो एक डीजल जेनसेट का आज की डेट में सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव हैल्टरनेटिव है तो देखा आप लोगों ने कैसे एक पूरा फैक्ट्री का लोड भी आज की डेट में लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे चल रहा है फैक्ट्री हो मॉल्स होटल्स हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूट कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं और जो पावर बैकअप की रिक्वायरमेंट है वो अपनी फुलफिल कर सकते हैं ये जो पूरा सेटअप था ये सुवास्तिका कंपनी की तरफ से था अगर आपको भी अपने इस तरीके के लोड की रिक्वायरमेंट के लिए डीजल जैनसेट का आप एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हो तो सुवास्तिका कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी आप उनको कॉल भी कर सकते हो उनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो गुड बाय